तो कश्मीर की कली। कैसा लग रहा है कश्मीर की कली बनके? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आप आइए भाई। नहीं मैं नहीं बना। तो कहवा है कश्मीरी कहवा, पी लो बाबा पी लो। चार, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ये क्या डाला आपने इसमें अभी? हनी, हनी, हनी। ये डाला हनी। हाँ, अशरफ गनी इज फिनिश। ये देखो पूरा फ्लोटिंग मार्केट है क्या? सेम मींस में ऐसी होता है, उसके बाद से मतलब कश्मीर में ऐसा मार्केट बना हुआ है देखिए। तो इसलिए मतलब कश्मीर अपने ऊपर मतलब एक नज़ारा ही अलग है बिल्कुल एकदम से। गुड मॉर्निंग, कैसे आई रात? अच्छी नींद आई? थकान मिट गई कश्मीर की? मैं खा चले गया था कल रात भी, कल रात खा चल गया था यार। क्या ना बोलती, तुम खाते लेते रहते हो, ऐसी व्यवस्था है। मम्मी पापा लोग को देखते हैं, मम्मी पापा लोग उठे कि नहीं उठे, क्योंकि मॉर्निंग के करीब 7:15 बज चुके हैं। फिर बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। मम्मी का तो योगा चल रहा है फर्स्ट क्लास। तो कैसे रही नींद, कैसे आई? बड़ी नींद आई। घर हुआ था कमलों में है? अच्छा होता। गीजर ऑन कर दिया आपने? हमने गीजर ऑन कर दिया। तो फिर आप लोग तैयार हो, फिर हम लोग निकलेंगे 8:30 बजे तक। 7 बज गए ना? हाँ, तो 8:30 बजे तैयार हो जाओ, फिर निकलेंगे घूमने के लिए। मुझे मतलब हो गया है सर्दी जुकाम, मैं एकदम से सुबह जब उठा तो गले में हल्का दर्द होता, अभी भी हो रहा है। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो अभी जो गुड मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है कश्मीर से, कश्मीर के सबसे खूबसूरत शहर श्रीनगर से। तो आज हम लोग का प्लान है पूरा श्रीनगर, हमको जितने भी विजिटिंग प्लेसेस सारे के सारे कवर करने हैं। और हमारा टारगेट है मॉर्निंग में 8:30 बजे उठना, मतलब तैयार होके रेडी होके हम लोग को अपनी गाड़ी वाले को फ़ोन करना है, और उसके बाद हमको सारे जितने भी प्लेस हैं वहाँ सब कुछ घुमाएगा। तो मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ एक मिनट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो होटल है उस होटल की बालकनी से बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। एक बार देख लेते हैं फिर आगे के प्रोसेस करते हैं। तो अभी आप देखिए, ये सामने ये होटल है, इसके सामने रोड है, उसके पार सारी की सारी हाउस बोट है, तो सारी की सारी हाउस बोट है। तो आप हाउस बोट पर भी रहने का प्लान कर सकते हैं। और देखिए उस पर पीक में कोई मंदिर वगैरह है शायद, और चारों हल्के के बादल छाए हुए हैं। सनराइज उस पहाड़ के पीछे से होने वाला है, बहुत मस्त सनराइज होने वाला है ऐसा लग रहा है। और मॉर्निंग में अजान की आवाज़, मंदिर की आवाज़, गुरुद्वारे की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ एक साथ आई थी। और मुर्गे की आवाज़ तो मेरी नहीं, 5 बजे खुल गई थी, लेकिन बाकी सब लोग सो गए थे। ऐसा कुछ नज़ारा है आज, इसी को एक्सप्लोर करना है। तो मिलते हैं आपसे 8:30 बजे दोबारा। सो हम लोग निकले हैं श्रीनगर के लिए, मतलब श्रीनगर में है, श्रीनगर के प्लेस विजिट करने के लिए। पीछे हमारा होटल है। तो अच्छा लग रहा है, हमारे पहाड़ का जैसा मौसम हो रहा है। पहाड़ी वाह, पहाड़ी वाह। नेहा का कोई जुकाम लग गया कल से, इसकी हालत खराब हो गई, नाक बह रही है। तो ये देखिए, ये हाउस बोट है, हाउस बोट मतलब ये लोग अपने शायद उसमें लोग रहते हैं, मकान भी है। ऐसा देख के लगा था कि लोग सुबह ऐसे ही आ रहे थे बाहर। ये पूरी डल लेक है, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं राइड के लिए उस साइड को। सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं गेट नंबर 2 है क्या? डल झील के किनारे गेट नंबर 2 पे। तो यहाँ पर है शिकार राइड, अगर करनी है तो शिकार यहाँ पर लगी हुई है सारी की सारी मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में आके अपना शिकार राइड कर लो, बहुत सन का बड़ा अच्छा व्यू है। और यहाँ पे सही लगी है, अभी देखते हैं रेट वगैरह क्या क्या है, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव है शिकार राइड, देखते हैं क्या। तो बोट राइड करने से पहले हम लोग आए माँ लक्ष्मी वैष्णो ढाबा में, यहाँ हमने किए हैं पराठे ऑर्डर। और ये किनारे है डल लेक, और साथ साथ में शिकारा, जहाँ से मतलब अभी हमने कुछ देर रेट पता किए हैं, तो 6,000 से नीचे कोई जाने के तैयार नहीं है। अगर सस्ता होगा तो हम घूमेंगे, वरना हम नहीं घूमेंगे। 6,000 रुपये बहुत होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं इसमें घूमने के लिए। 6,000 रुपये
एक रीजनेबल रेट नहीं है ऐसे घूमने के लिए। अगर सस्ता मिलेगा तो हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। अब फिलहाल रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो कैसा लग रहा है बैठ के शिकारा में? बहुत बढ़िया है। पाँव लंबे कर लो पापा ऐसे। हाँ बिल्कुल रात सही तरीके से बैठो। अनाज ला लो। ये मुल्लू मुल्लू और मैं ऐसे बैठे हुए हैं। मैं पापा लोग बैठे हुए हैं रात सही तरीके से और हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही पाँव लगाने यहाँ पे बैठ के। ठीक है बड़ा हमारा डाल ठीक। हाँ पाँव धोने वाला चाहिए और क्या। मम्मी को पाँव में दर्द हो रहा है। तो फाइनली बार्गनिंग करते करते 4K हम रेट तय हुआ। मतलब सोचिए कि 7K 8K से नीचे डिमांड ही नहीं थी, डिमांड नहीं थी। तो सबसे पहले जो बंदा आया था जो उसने जेन्युइन रेट बोला था उससे थोड़ा बार्गनिंग करके 4K में रेट सेटलमेंट हुआ। यानी कि 1000 पर पर्सन। इसमें 8 पॉइंट कवर होंगे। अब वो कौन कौन से 8 पॉइंट होंगे इस शिकार राइड पे आपको पता चल जाएगा। तो पूरा ब्लॉग देखना, बहुत मज़ा आ रहा है। शिकार राइड का ब्लॉग अलग से और सीनियर का ब्लॉग अलग से, दोनों ब्लॉग अलग अलग। आपको निहारी का देखो यहाँ चले कश्मीर की कली बनने के लिए चलेगी है दूसरी नाव में। इसका मम्मी आप भी खिलाओगे फोटो? हाँ तो इसका मम्मी की वारी भी है। पापा और मैं तो डिनाई कर दिया था, हमारे बस की बात नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि कार्टून टाइप का बनना, मतलब इस टाइप की ड्रेस है। तो लड़कियों में तो अच्छी लगती है, लड़कों में मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो निहारी का को ड्रेसअप कराएंगे और तुम अपने हिसाब से जुटो। हम क्या बताएं तुम्हें कलर के बारे में? तो कश्मीर की कली कैसा लग रहा है? कश्मीर की कली बन के अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। नहीं मैं नहीं बैठ, मम्मी चले गई है तैयार होने। मम्मी को तैयार किया जा रहा था, है ना। उधर को पूरी लेक है, इधर सामने देखो हाउस बोट है जहाँ आप आके रुक सकते हैं। हाउस बोट आपको मिल जाएगी भाई रीजनेबल प्राइस पे। उधर वाली जो मिलेगी लेक के बिल्कुल जो रोड के किनारे वो सस्ती मिलेगी, और जो अंदर आप लेक के अंदर आके रहोगे तो वो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। ये देखो मम्मी बन गई है कश्मीर की कली है। कैसे फोटो खींच दी है, मुँह अच्छा सा बनाना। हाँ तो बीच में है देखो ये तैरने वाला एक रेस्टोरेंट। ये पूरे मतलब लेक में घूमते रहता है। अभी ये मतलब यहाँ पर स्टेशनरी किया गया, लेकिन रेस्टोरेंट में आप जाके चाय कॉफ़ी कुछ भी पीनी है तो आप यहाँ जाके आराम से चाय कॉफ़ी पी सकते हो। तो भाई हम लोग आ गए हैं पहले, मतलब जो इसमें उतरते हैं 8 पॉइंट में से, तो हम लोग आ गए हैं नेहरू पार्क पे। ये सामने नेहरू पार्क है, उधर रोड है देखिए सामने। हम लोग निकले थे उस वाले कोने से जहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से चलते 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 हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ। मम्मी पापा लोग निकल रहे हैं, निहारिका यहाँ पर बैठी हुई है। और देखिए यह है पार्क, 5 मिनट का टाइम है से घूमने के लिए हमारे पास। तो उसे घूमते हैं यहाँ से, उधर का नज़ारा देखते हैं, फिर वो जाएगी यूँ और हम लोग पूरा घूमेंगे। काफ़ी बड़ी लेक है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं डल लेक का पूरा नज़ारा, कितनी खूबसूरत। अभी हमने और भी घूमना है पीछे पीछे, अभी हम लोग नेहरू पार्क में रुके हुए थे। तो सो सामने वाली रोड है ना रॉक स्टार पिक्चर की, जो कतिया कुआ डांस है वो सामने वाली रोड पे शूट हुआ है। भी आप देखेंगे ना एक लड़की बोट लेके जा रही है, और मतलब उनकी वो पर्सनल बोट है। वो अपने गांव से उधर मार्केट की ओर जा रही है और ऐसे करके बोट ला के चल रही है। मतलब गाड़ी स्कूटर की जगह पे बोट यहाँ पर यूज होती है। यही जो शंकर जी का मंदिर, हाँ आदि शंकराचार्य। तो ये है सामने है नेहरू लेक। तो नेहरू जी इसी में ही नहाते थे, मतलब जब वो आते थे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर नहाते थे। इसका नाम नेहरू लेक पड़ गया। फिर यहाँ से जाते थे वो ऊपर वाले मंदिर में टॉप में, ऊपर शंकराचार्य जी का मंदिर है टॉप में। तो यहाँ पर है ये मैरिज हॉल, देखो कितना खूबसूरत है। ये हाउस बोट के साथ साथ है मैरिज हॉल। वो उधर पर आप देख रहे फोर्ट, ये हरिगढ़ फोर्ट है क्योंकि टॉप में वहाँ पर इंडियन आर्मी रहती है पूरी। तो जो दूरदर्शन में एक सीरियल आता था गुलफाम नाम से कश्मीर वाला, तो वो इसी वाले हाउस बोट पे मतलब उसकी शूटिंग हुई थी।
तो वो सामने वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो है नेहरू निवास, यानी कि नेहरू जी का होटल ये था, अभी मतलब अंडर गवर्नमेंट में है, तो मतलब पहले नेहरू जी इसी में रहते थे। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा भी है देखो नाम। तो ये देखिए ये सामने है मतलब पूरा पानी में फ्लोटिंग वाला डाकखाना। अगर आपको कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है कश्मीर से, आपके पैसे कम हो गए या आपको बाइक कूरियर मंगानी है, तो आप कूरियर से मंगाएंगे तो इस वाले पोस्ट ऑफिस से आपको स्पीड पोस्ट से आपके पास आ जाएगा। तो कहवा है कश्मीरी कहवा, पी लो बाबा पी लो। चार दिस इज डिफरेंट। ये क्या डाला आपने इसमें भी? हनी। ये डाला हनी। अशरफ गनी इज फिनिश। अशरफ गनी तो वहाँ अफगानिस्तान वाला है सर। अच्छा कब? उसी साल। अच्छा अभी अभी क्या डाला बताते रहो। ये डालते हो? अच्छा क्या नाम है? कोकोनट। दिस इज रोज पेटल। ओके। आलमंड वॉलनट केशव नट मिक्स। ओके। एंड सीक्रेट मसाला। दिस सीक्रेट मसाला। सीक्रेट मसाला बताओ दोस्तों, तो फायदा है फिर। सीक्रेट नाम ही है तो क्या बताएंगे? बाय गॉड नहीं, मेरा सीक्रेट आ गया। जी वही तो। दालचीनी वगैरह डाला है। दालचीनी की सुधारी। तो कश्मीरी कहवा पी रहे मम्मी पापा में, 50 रुपए पर ग्लास है। 50 अपने आप। तो ये पीछे हाउस बोट दिख रही है ना, जो हाउस बोट दिख रही है उसके ठीक पीछे गांव है कबूतर खाना। और विंटर्स में ये लेक पूरी यहाँ पर पूरी जम जाती है। आप देखिए ना खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी मनमोहक। और बीच में कॉर्मोरेंट बोलते हैं ना इनको, लिटिल कॉर्मोरेंट, बीच में लिटिल कॉर्मोरेंट घूम रहे हैं। और कुछ डक हैं, साइज सब सारे साइबेरियन बर्ड हैं, अभी मतलब आके चली गई हैं, कुछ बची हुई हैं यहाँ पर। तो ये कुछ नज़ारा है जी जम्मू एंड कश्मीर का। कश्मीर बोलते हैं स्वर्ग है, वाकई काफी खूबसूरत है। देखिए ना आप, हाँ, जितना आगे बढ़ते जा रहे हो उतना ज्यादा क्लियर दिख रहा है। तो देखिए ये सारी बर्ड्स, कितनी आराम, साइबेरियन बर्ड्स देखिए। तो मिशन कश्मीर की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। पीटर इंडा ने बचपन में जब रितेश को धक्का मारा था, तो ये चेयरफुल चैली करके जो हाउस बोट है यहाँ पर मारा था, और उनका टारगेट था वो वाला टावर उड़ाना सामने वाला। तो ये मिशन कश्मीर की शूटिंग का मतलब नज़ारा था। आधी हमने पिक्चर की शूटिंग तो यहीं देख ली है। क्यों भैया पीछे बताते जा रहे हैं, आपका गुड नेम क्या है? अली। तो भैया का नाम अली है, तो भैया हमको साथ साथ राइड के साथ साथ पूरा मतलब जहाँ जहाँ शूटिंग जो हुई थी वो भी बताते जा रहे हैं। गाइड करते जा रहे हैं। हाँ गाइड करते जा रहे हैं पूरा। तो ये देखिए ये है फ्लोटिंग मार्केट डल लेक में। बहुत सारे लोग आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं उधर को फ्लोटिंग मार्केट में देखेंगे। पूरा मार्केट है हैंडलूम का, जहाँ आपको कश्मीरी शॉल वगैरह मिलेंगे। ये देखिए पानी की बोतल, पेप्सी, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और इधर पूरा CRPF का है जो पूरी की पूरी निगरानी करती है यहाँ पे लेक की। ये देखो पूरा फ्लोटिंग मार्केट है क्या, सेम मीन्स में ऐसे होता है, उसके बाद से मतलब कश्मीर में ऐसा मार्केट बना हुआ है देखिए। तो इसलिए मतलब कश्मीर अपने ऊपर मतलब एक नज़ारा ही अलग है बिल्कुल एकदम से। तो हम लोग पहुंच गए हैं इधर किसान आर्ट एंड क्राफ्ट में, जहाँ पर पश्मीना शॉल वगैरह मिलता है और जैकेट वगैरह मिलती है। तो अगर इनको कुछ खरीदना हो तो खरीदेंगे। तो ये है पूरा हैंडलूम जहाँ पे आपको मिलेगा शॉल वगैरह, साड़ी वगैरह, ETC। पापा ये कितने का बिल फट गया?
पापा के 4,000 रुपए घटका दिए, 700 बहू ने मिल के देखो। सबके लिए है। तो अभी हम लोग आ गए हैं कश्मीर के डल लेक के मीना बाजार में। तो ये पूरा मीना बाजार है। आज दुकान शॉप थोड़ी कम लगी हुई है सारे। मम्मी पापा लोगों ने ले लिया शॉल वगैरह कश्मीर का एक निशानी के तौर पे। बाकी ये है पूरी मीना बाजार। तो ये फ्लोटिंग लैंड है, देखो ऐसे लकड़ियों से बांध रखा है। अगर ऐसे बांधेंगे नहीं तो ये पूरा ऐसे बहते रहता है पूरे लेक के ऊपर। तो ये था पूरा डल लेक का टूर, वो भी आधी ब्लॉग्स में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आधी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि। अभी हम लोग ऐसे हैं कश्मीर में, लेकिन मेरा तक क्या कलाम वही है उत्तराखंड।